भुवनेश्वर गांधी मार्गरे राज्यस्तरीय श्रमिक कृषक धरना समावेश रे सारा राज्य विभिन्न श्रमिक संगठन हजार हजार श्रमिक बीजेपी विरोध में एकाठी होती। केन्द्रीय श्रमिक संगठन मानकर मिलित मंच स्वाधीन फेडरेशन संयुक्त किसान मोर्चार मिलित महासम्मेलनी समय आंदोलन होती। एक दफा दावी पर नवेम्बर 26, 27, 28 तारीख दिन राजभवन सम्मुखें 72 घंटा धरी धारणापी निष्पत्ति देश में दर वृद्धि नियंत्रण करने खाद्य पदार्थ औषध कृषिपे आवश्यक द्रव्य और जंत्रपाति और कृषि उत्पादन सामग्री नियंत्रण करने जीएसटी हटेबा दाबी होई। नूतन शिक्षानीति 2020 को रद्द करिबा, जंगल जमी आईन 2006 को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करिबा, जातीय सर्वनिम्न मासिक 2600 टंका धार्य करिबा, संविधान मौलिक मूल्यबोध उपरे आक्रमण बंद करिबा, सेपरी अभिव्यक्तिर स्वाधीनता को और भिन्नमत प्रकाश करने को अधिकार को सुरक्षित करने भली 21 दफा दाबी करिसेंती श्रमिक कृषक। देखिए दर वृद्धि आरंभ कर चाषी एमएसपी श्रमिकर काम पर्यंत देश संकट भितर से केन्द्रीय ट्रेड यूनियन मानक मिलित मंच संयुक्त किसान मोर्चा एवं स्वाधीन कर्मचारी फेडरेशन समूह 21 दफा जो थे समस्त कार्यक्रम रही मोदी सरकार जनविरोधी नीति विरुद्ध सारा देश में 26, 27, 28 ऐतिहासिक कृषक आंदोलन 3 वर्ष पूर्ति उपलक्षे प्रत्येक राज्यर राजधानी राजभवन आगे विक्षोभ समावेश कर नरेंद्र मोदी आम देश 4 प्रसंग उपर आक्रमण कर संविधान उपर संविधान पूर्व आम कई नागरिक नु आम प्रजा थी संविधान आमको अधिकार से आक्रमण कर संविधान आक्रमण कर संघीय व्यवस्था उपर राज्य मानक जो अधिकार था से अधिकार को से काढ़ी नौ 3 नंबर आक्रमण कर सामाजिक न्याय व्यवस्था उपर 4 हूँ जे आत्मनिर्भरशील अर्थनीति तो लंबा मिछ प्रतिश्रुति देते से प्रतिश्रुति तो कार्यकारी करना किंतु देशर सबु वर्गर जनगण के सर्वनाश कर जदि छात्र मानक कथा कहे जातीय शिक्षा नीति प्रणयन करके शिक्षा संकोचन करो एवं शिक्षा सिलेबस परिवर्तन जमीती कृषिजात द्रव्यर दर को उत्पादन खर्चर 1.5 गुण करवा स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट सुपारिश को कार्यकारी करवा बिजुली आईन जो आईन पार्लियामेंट बिल आकार 2020 और 2023 पुणी थे से योजना चली जदि से लागू हो जाए ताहले कृषक मानक साधारण खाउटी मानक बिजुली संपूर्ण भाव में दुष्प्राप्य हो संपूर्ण घरीकरण हो।